Welcome to your channel Speaking Charts High Win Rate Best Indicator Series. Install TradingView from Play Store. Hi, welcome to Speaking Charts. आज हम देखेंगे एक सुपर पावरफुल refined means refined free TradingView indicator for perfect entry and exit. Right? Perfect means perfect entry and exit. So मैं एक live chart में हूँ, that is Ethereum 1 minute chart में है. आप देख रहे हैं प्रेजेंटली 1622.82 USDT चल रहा है. चार्ट ऑन कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे देखने में ऐसा मिल रहा है कहाँ एंट्री करें और एग्जिट करें. राइट, विदाउट इंडिकेटर इट इज़ वेरी टफ. नाउ विल शिफ्ट इनटू द इंडिकेटर पार्ट. आप देख रहे हैं कि मैं इंडिकेटर ऐड नहीं किया हूँ, बट एक बार दिखाना चाहता हूँ. यहाँ पे आपको अगर एक एंट्री मिले, है ना, शॉर्ट सेलिंग के लिए यहाँ तक मूव दे दें, यहाँ पे एंट्री मिले बाई करें और यहाँ पे एग्जिट हो जाए और यहाँ पे शॉर्ट सेल मारें, यहाँ पे आ जाएं, यहाँ से यहाँ तक एक मूव के लिए इंडिकेशन दे दें, कोई ना कोई इंडिकेटर इस तरह का. आप देख रहे हैं कितनी बेहतरीन मूव दिया है ये इंडिकेटर. ये जो येलो कलर बॉक्स डाल रखा हूँ, ये इंडिकेटर ने दिया है. ये इंडिकेटर के सिग्नल के ऊपर है, क्या परफॉर्मेंस है, ऑसम ना. सो इट्स गुड टू सी, ये बेहतरीन वे में इंडिकेशन देता है. इसके लिए हम इंडिकेटर ऐड करेंगे, आज दो इंडिकेटर ऐड करेंगे. ये तो आप जानते ही हैं, नडराया वॉटसन. फ्रेंड्स, ये चेकिंग के लिए है. इंडिकेटर ने यहाँ पे सिग्नल दिया 1900 आवर्स में. मैं अभी इसको स्टार्ट कर रहा हूँ. 15-20 मिनट के बाद वीडियो जब खत्म होगा उस समय पर चेक करेंगे क्या परफॉर्मेंस है. ओके, सेकेंड वन इज आई विल ऐड विद दैट वन ऑल्सो. वन बाई वन हम करते हैं. सो मैं फर्स्ट ऐड कर रहा हूँ इंडिकेटर में जाके नडराया वॉटसन, दैट हैज बीन एडेड नाउ. सेकेंड वन इज एसटीसी इंडिकेटर या बेटर एमएसईडी कहते हैं, शायन के एम इन्होंने बनाया. सो ये दोनों इंडिकेटर मैंने ऐड किया हूँ अभी. आप देख रहे हैं अभी नडराया वॉटसन के हम सेटिंग एक बार चलते हैं. सेटिंग 8 and 3 है, इसको हम करते हैं 6 and 2. राइट, 6 and 2 एक इंडिकेटर का सेटिंग खत्म. नेक्स्ट एसटीजी, यहाँ एक एक्सेलरेटर है, इंडिकेटर कहते हैं बट इट्स एक्सेलरेटर. इसका सेटिंग इस प्रकार है, 12 26 50 05. मैं इसका सेटिंग ओपन कर रहा हूँ. यहाँ पे इसको कर दीजिएगा 80, देन 26 50 05, ऐसे ही रहने दीजिएगा. स्टाइल में जाइएगा, इस तरह का आ गया है. फर्स्ट अगर 12 में रहता है डिफॉल्ट सेटिंग में, यू विल गेट लाइक दिस. ये बार बार एंट्री एग्जिट आएगा. यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग के लिए मौका तो दिया है यहाँ पे, देन यहाँ पे बाइंग के लिए दिया. इट्स गुड वंस अगेन, यहाँ पे अगेन शॉर्ट सेलिंग के लिए दिए, यहाँ पे अगेन बाई करवा दिया. यहाँ से यहाँ तक की मूवमेंट है, ज़्यादा कुछ नहीं है. देन अगेन इधर गए हैं, इधर से 2-3 सिग्नल्स आया है बार बार. यहाँ पे अगेन शॉर्ट सेलिंग के लिए है, देन अगेन यहाँ पे बाई के लिए है. बाई के लिए यहाँ पे, तो यहाँ पे तुरंत सेल के लिए. सो इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं है. सो इसीलिए इसका सेटिंग को वी हैव चेंज इट टू 80. नाउ आफ्टर चेकिंग इट टू 80, एक स्मूथ मूवमेंट एक मिल जाएगा. अब इसमें ये इंडिकेटर के बारे में देखेंगे. इसका सेटिंग में ये है, ये 100 लाइन कहते हैं, जो 100 ऊपर वाला लाइन, और नीचे इसको 0 लाइन कहते हैं. राइट, 0.68 या 1 दिखा रहा है. ये 0 लाइन है, 100 लाइन है, ये बीच में एक पैनल भी है. इस इंडिकेटर के बारे में एक बार हम देखते हैं. इंडिकेटर एसटीसी मींस कैप ट्रेंड साइक्लिस, अ चार्टिंग इंडिकेटर दैट इज मेनली यूज्ड फॉर इंडिकेट मार्केट ट्रेंड्स एंड प्रोवाइड बाय सेल सिग्नल्स, डेवलप्ड इन 1999. की टेक अवे इज चार्टिंग इंडिकेटर यूज्ड टू हेल्प स्पॉट बाय एंड सेल्स points in the forex market. Compared to the popular MACD indicator, STG will react faster and changing market conditions, na, to changing market condition. Drawback ke bare mein likha hai, drawback to STG is that it can stay in overbought and oversold territory for long stretches of time. So, when we were setting change, nahi kar rahe the, tab ye tha ki ज़्यादा समय वो 100 में ही रुक जाता है, उसी में ही ग्रीन और रेड सिग्नल देते जाता है. सो इस तरह का इसके ऊपर लिखे हैं, इस नॉट परफेक्ट बोल के भी लिखे हैं.
इस तरह का रहता है बोल के। सो कमिंग टू द चार्ट वंस अगेन, हमने वहाँ पे चेंज किए हैं, मैंने इसको मेरा जो सेटिंग के हिसाब से स्कोर अप करता हूँ, व्हाट आई डिड टू मेक इट विजुअल। हम इस चार्ट के साथ अभी इसको चेक करके देते हैं। हम देखिए ये जहाँ जहाँ पे सिग्नल दिया एग्जैक्टली वहाँ से रिटर्न हुआ, राइट। वो चीज़ को हम चेक करते हैं, ये एसटीजी आफ्टर 80 सेटिंग के बाद कैसे इंडिकेशन दिया, इसको एक बार देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे रेड सिग्नल दिया, परफेक्ट। देन 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 आए यहाँ पे ग्रीन सिग्नल दिया, यहाँ पर भी दिया हमने, ट्रेड नहीं किया। इसका रीज़न बताऊँगा क्यों हमने इसके ऊपर एग्जिट नहीं हुए हैं, वो बताऊँगा। राइट, उसके लिए हमें नडराया वाटसन का हेल्प लेना पड़ता है, वो हम देखेंगे। राइट, सो यहाँ पे इन्होंने एक डाउन के लिए एक सिग्नल दिया, हमने डाउन हुए, उसका भी एक रीज़न है इस कैंडल पर क्यों डाउन होना है, वो सेटिंग से कंडीशन में देखेंगे। यहाँ पे हम बाई सेल्फ बाई सिग्नल को हम एक्सेप्ट किए, बाई किए, तो इट गिव्स अ ग्रेट मूव वंस अगेन दिस मच। देन यहाँ पे हम कुछ नहीं किए हैं, उसका रीज़न है हम बताएंगे आगे। तो यहाँ पे हमने एग्जिट करने के लिए ट्राई किया, हमें ये नहीं पता था कि यहाँ के बाद बेंड होने वाला है कि नहीं, बट यहाँ पे नडराया का हेल्प लेते वक्त विल कंफर्म दैट यहाँ से हमें शॉर्ट सेल कर सकते हैं। ओके, तो लाइकवाइज यहाँ ये अगेन बाई का सिग्नल, देन सेल का सिग्नल, यू आर सीइंग हियर एग्जैक्टली ओवर हियर, करेक्ट। देन बाई का सिग्नल मिला, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ क्योंकि हम बाई किए हैं, हमारा तो स्विंग लो का ही, लेटेस्ट स्विंग लो का ही करना चाहिए, सो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक सेल का दो सिग्नल लगातार मिला है, राइट। इसका भी हम नडराया का हेल्प लेके फाइन ट्यून करके बताता हूँ मैं। एंड देन यहाँ पे एग्जिट सिग्नल है, परफेक्ट ना, इट्स गुड। यहाँ पर भी देखिए, वेरी गुड। यहाँ पे इन्होंने सेल सिग्नल दिया, वाई वी हैव नॉट सेल ओवर हियर, आई विल टेल द रीज़न आफ्टर एडिंग द नडराया, राइट। सो यहाँ पे हमने सेल का शॉर्ट सेल का ऑप्शन लिए, देन इट गोज डाउन एंड वेंट अप एंड गोज डाउन वंस अगेन, अगर हम कीप कर सकते हैं तो। देन यहाँ से बाई का सिग्नल, अदरवाइज हम एग्जिट हो जाएंगे यहाँ पे, अगर वो मूव करना शुरू कर दिया तो, अदरवाइज वी कुड होल्ड अप टू द नेक्स्ट सिग्नल। ये नडराया बताएगा ये कहाँ एग्जिट होना है। देन यहाँ पे अगेन बाई का सिग्नल, आप अगेन डाउन। अच्छा, एक ये वाला एरिया देखिए, यहाँ पे हुआ क्या है कि बीच में ही, बैंड के बीच में ही आके चला गया। सो बैंड के बीच में आया तो हम ट्रेड नहीं करेंगे इस एरिया में, मैं कंडीशंस में बताऊंगा। जस्ट वी आर चेकिंग वेदर इट्स गिविंग द परफेक्ट आर नॉट, परफेक्ट सिग्नल आर नॉट यहाँ पे। देन यहाँ पे एग्जिट हो सकते थे, बट अगेन इफ़ यू आर एबल टू होल्ड, यू कैन होल्ड अप टू हियर। अगेन इसके बाद बड़ा मूव भी देने लग गए, वो नडराया से हम कंफर्म कर लेंगे यहाँ क्यों एग्जिट हुए हैं। यहाँ पे अगेन सेल सिग्नल, इट्स गुड, ऑसम ना। सो अगेन यहाँ पे दिया, यहाँ पे हमने अटेंड नहीं किया इसलिए कि ये 100 लाइन में नहीं था, छोड़ दिया हमने यहाँ का। यहाँ नडराया से हम ट्रेडिंग कर सकते थे, राइट। ये 100 पैनल पे नहीं है, ये 75 पैनल में है, 75 to 25 पैनल के बीच में है। देन आते हैं यहाँ पे नहीं लिया, नडराया बताएगा। यहाँ पे हमने बाई किए हैं, इट वेंट अप टू हियर। देन यहाँ पे सेल किए हैं, इट्स ऑसम ना। ओके, सो आफ्टर एडिंग द नडराया विल सी अबाउट इट, हाउ इट गिव्स द परफॉर्मेंस, कहाँ पे एंट्री और एग्जिट हो सकते हैं, राइट। ओके, राइट। नाउ द पार्ट इज कंडीशंस फॉर बाई एंड सेल, राइट। कंडीशंस फॉर बाई एंड सेल इज आफ्टर नडराया एडिंग विल थिंक अबाउट इट, नडराया व्हाट्स एन एंड वाला, राइट। ओके, आई हैव एडेड इट, इट्स गेटिंग इन टू एड, इसको 6/2 कर देंगे हम, ये 6/2 सेटिंग के ऊपर ऑलरेडी हम बातें किए हैं, इसमें एक और वीडियो है, राइट। इट्स गेटिंग रेडी फॉर 6/2,
ओके सो नाउ वेलकम विद नटराया, जहाँ से नटराया अवेलेबल है, क्योंकि ये 500 कैंडल के ऊपर नटराया प्रिंट नहीं होता है, सो इसी के बीच में ही हम चेक करना होगा। ओके कंडीशन फॉर बाय एंड सेल, कंडीशन नंबर वन, टू कंडीशन के ऊपर बात करेंगे। कंडीशन नंबर वन इज जब भी हमारे लिए सेल सिग्नल मिलता है वो कहाँ से लेना चाहिए, दैट शुड बी इन अंडर लाइन, राइट। ये अंडर लाइन में होना चाहिए। ये जो सेटिंग में मैं वाइट वेट किया हूँ आपके लिए, अगर ये डिस्टर्बेंस है आई कुड रिमूव ऑल दोज थिंग्स। मैं ट्राई कलर या तिरंगा के लिए ऐसे ट्राई किया था। दिस वन इज ओके, दिस वन इज ओके, वाइट बैकग्राउंड वी कुड रिमूव, दिस दिस वी कुड रिमूव, नाउ इट्स परफेक्ट, राइट। सो इट्स वेरी क्लियर नाउ। ओके ये जो 100 लाइन है ये सेलिंग लाइन है हमारे लिए, ये बाइंग लाइन है, और कहीं नहीं बाई करना है सेल करना, इसीलिए बीच वाला पैन हटा दिया। बीच में कहीं भी आएगा हम नहीं करेंगे। दिस दिस द ओनली लाइन, जीरो लाइन इज द बाइंग लाइन फॉर अस, द रेड लाइन इज द सेलिंग लाइन फॉर अस। ओके राइट, कंडीशन नंबर वन इज दिस मच ओनली। प्रॉब्लम इज ये लाइन के साथ यहाँ पर भी सेल का सिग्नल दिया, यहाँ पर भी सेल का सिग्नल दिया, वो कैसे अवॉइड करेंगे उसके बारे में देखें। यहाँ पे देखिए, यहाँ अगेन बाई का सिग्नल दिए, राइट, यहाँ पर भी बाई का सिग्नल दिया, सो यहाँ पे करेक्ट सेल सिग्नल। यहाँ पे देखिए कितना कंफ्यूजन है, यहाँ पे बाई का सिग्नल एक बार दिया था लेकिन बाई नहीं किए, इधर भी इधर भी इधर भी बाई नहीं करेंगे, इधर भी बाई नहीं करेंगे, ये मोड़ तो गया यहाँ से लेकिन बाई नहीं करेंगे, और यहाँ सेल करने के लिए बोल रहा है सेल नहीं करेंगे, यहाँ पे सेल करने के लिए बोल रहा नहीं करेंगे, रेदर यहाँ पे फिनिश करेंगे, यहाँ पे आगे बाई करेंगे। सो इसके लिए नटराया कैसे हेल्प करता है हम देखें अभी। ओके नटराया प्रिंट 500 कैंडल के हिसाब से यहाँ पीछे चला गया, पहले यहाँ तक था मैं जब तैयारी कर रहा था। ओके सो नडराया में क्या है कि कंडीशन नंबर टू में जब भी नडराया का वाल तोड़ता है, वाल तोड़ता है विथ रिवर्सल कैंडल के साथ, रिवर्सल कैंडल अगर आना शुरू हो गया तो वहां से हमें सेल करना चाहिए, वैसे ही वाइस वर्सा रिवर्सल कैंडल एट जीरो लाइन के पास जब इसमें आएगा तब करना है। रिवर्सल कैंडल किया है कैसे पता करें, ये तो एक दिक्कत है। इसके लिए रिवर्सल कैंडल स्टिक के बारे में एक आइडिया तो चाहिए हमें। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट दोज पार्ट्स। दिस इज कैंडल स्टिक्स वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नटराया वाटसन एनोलब के साथ वहाँ पे हमें रिवर्सल चाहिए। स्काल्पिंग में रिवर्सल कैंडल स्टिक की वेरी इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूएशन कैंडल स्टिक की जरूरत नहीं है। दिस इज मॉर्निंग स्टार है, दिस इज़ वो थ्री वाइट सोल्जर कैंडल स्टिक कहते हैं, पहले तो वाइट सोल्जर कहते थे, आजकल तो ग्रीन हम रेड कैंडल यूज़ कर रहे हैं, पहले ब्लैक एंड वाइट होते थे। दिस इज़ मोराबाजो कैंडल स्टिक, थ्री इनसाइड कैंडल स्टिक पैटर्न, ये बुलिस रिवर्सल है, दिस आर ऑल बुलिस रिवर्सल ट्वीजर भी। दिस इज इन्वर्टेड हैमर वेरी इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न, ये सब वहाँ पर मिलता है हमें नटराया वाटसन के साथ एनवेलप के अंदर। यहाँ से ही रिटर्न का हम देख रहे हैं सिग्नल वहाँ पे मिलेगा। जोन ऑफ हैंगिंग मैन इंपॉर्टेंट है, देन बेयर इज एनगल्फिंग है, इवनिंग स्टार वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी वहाँ पे आएगा हम चेक करेंगे। थ्री सोल्जर ये भी थ्री ब्लैक कहते हैं, और थ्री इनसाइड डाउन कैंडल स्टिक ये भी वहाँ पे मिलेगा आपको। बेयर इज सरामी कैंडल स्टिक, शूटिंग स्टार वेरी इंपॉर्टेंट, देन ट्विजर, थ्री अपसाइड डाउन, डोजी जो इंडसिस कैंडल कहते हैं इनडिसिवनेस वाला, स्पिनिंग टॉप अगेन इम्पोर्टेंट, दिस आर ऑल हैपनिंग ऑलवेज, थ्री की संख्या में ही पूरा दुनिया चलता है। अपसाइड डाउन, दिस आर सम कैंडल्स, अब कैंडल्स के बारे में फास्ट फास्ट देख लिए हैं और वहाँ पे इसके साथ कंफर्म करते हैं कौन कौन। सो यहाँ पे वील सी द कंडीशन वंस अगेन दैट हमने दो इंडिकेटर ऐड किए हैं, एसटीसी का दिस द 100th लाइन, दैट इज मैं रेड कलर कर रखा हूँ क्योंकि यहाँ से सेलिंग करेंगे, यहाँ से बाइंग करेंगे। वन मिनट शार्ट में स्कॉल्पिंग होती है, स्कॉल्पिंग में फटाफट डिसीजन लेना है, सो सिग्नल के ऊपर डिसीजन लेंगे। सो यहाँ पे क्यों सेल करना है, बिकॉज ऑफ इट इज़ एट द टॉप। द कंडीशन नंबर टू इज नडराया को ऐड करने के बाद हमें वॉल के पास टॉप में या बॉटम में होना चाहिए। ये जो कैंडल्स, जितना भी कैंडल्स रिवर्सल कैंडल्स देखे हैं, यहाँ पे टॉप में मिला है, सो इसलिए यहाँ पे हमने
ट्रेड किया है, डाउन किया है, केम डाउन अप टू हियर। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे मिडिल आता है एनवल अप, मिडिल आता है एनवल अप में कैंडल आया, सो हम नहीं करेंगे। मिडिल आता है कैंडल कैंडल में, अगर ये टॉप में आया है, बट ये क्या है, ये तो सेल करने के लिए यहाँ से बोल रहा है, लेकिन यहाँ से हम ग्रीन से बाई करते हैं जनरली, सो वी आर नॉट गोइंग टू ट्रेड ओवर इट। यहाँ पे आप देखेंगे द मिडिल ऑफ द चैनल है, नहीं करेंगे। मिडिल ऑफ द चैनल है रेड के लिए, नहीं करेंगे। यहाँ पर भी मिडिल ऑफ द चैनल, मिडिल ऑफ द चैनल, ये भी ऑलमोस्ट मिडिल ऑफ द चैनल या टॉप के आसपास है ये। लेट्स सी वंस अगेन, इट केम डाउन, ये बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आ गया, राइट। सो हियर वी विल डू बाय यार, अदरवाइज सेल का क्लोज करेंगे हम। यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ बाय का सिग्नल मिला बिकॉज इट इज़ नियर टू जीरो लाइन, जीरो लाइन के आसपास है, सो सिग्नल भी वॉल के आसपास मिला है। तो जो भी कैंडल्स हमने देखे हैं वही कैंडल्स है यहाँ पे हैं, ये टॉप ये टॉप में मिला है, सो यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं, इट गोज डाउन, राइट। सो इन दिस वे वी हैव टू ट्रेड। अब हम लाइव मार्केट का एक्चुअल परफॉर्मेंस देखेंगे। आप याद करें, हम इनिशियल में, वीडियो के इनिशियल में 1900 आवर्स में एक वर्टिकल लाइन डाला गया था, सो वर्टिकल लाइन से अभी कितना परफॉर्मेंस दिया है आप देख रहे हैं। एक्चुअल में देखा जाएगा तो यहाँ पर भी बाई का सिग्नल आया, बट ऊपर नड़राया तो दिया है सेल का। सो अगेन नेक्स्ट इस यहाँ पर ही सही सिग्नल है। इसके बाद दो प्लेस में आगे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी मिडिल में बाई का सिग्नल दिया था, हम नहीं कर रहे हैं। देन उसके बाद यहाँ पे सेल का सिग्नल दो प्लेसेस में दिया, सेंटर में, यहाँ पे हम एग्ज़िट हो सकते थे, यहाँ पे तो बिल्कुल एग्ज़िट नहीं होना है क्योंकि मिडिल लगता है, यहाँ पे परफेक्ट एग्ज़िट होने के लिए, पर भी अगर हम होल्ड करते हैं यहाँ तक हम जा सकते हैं। जो दोनों कंडीशन हमने क्लियर किए हैं अभी, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करें, द कंडीशन इज़ वेरी क्लियर। रिवर्सल कैंडल होना चाहिए, रिवर्सल कैंडल के लिए मैंने जो रिवर्सल कैंडल के पैटर्न से दिखाया, चाहिए तो आप मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, वहाँ पे मैं पोस्ट कर दूंगा आपके लिए। रिवर्सल कैंडल होना चाहिए, वो भी टॉप ऑफ द एनवलप और बॉटम ऑफ द एनवलप में होना चाहिए। देन मिडिल में अगर आया तो नहीं करना है। मेरा एक और रिक्वेस्ट है आपसे, वॉच इट फॉर फ्यू डेज, है ना, फ्यू डेज इसमें लाइव चार्ट में वॉच कीजिए, क्योंकि दिन में ही शेयर मार्केट है, दिन में ही वॉच करने की ज़रूरत नहीं है। आप ट्रेडिंग व्यू में जाके इस तरह का बिटकॉइन, सॉरी ये वगैरह ऐड कीजिएगा, बिटकॉइन वगैरह, अदरवाइज क्रिप्टो की कोई भी स्क्रिप्ट ले लीजिएगा, आपको ये लाइव दिखाई देगा 24/7, राइट। सो सेकेंड एक रिक्वेस्ट है आपसे, ये जो इंडिकेटर की महान है जिसने लिखा था, उसको तो एक बार तो थैंक्स तो कह देना चाहिए। उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कौन वो, एस टी सी शाहम के एन, जो शाहम के एन को आप कमेंट में एक बार कमेंट तो कर दे, थैंक यू शाहम के एन बोल के, विद द क्रेडिट मस्ट बी गोज टू हिम, भले उन्होंने इस तरह का दिए हैं, हमने रिफाइन किए हैं उसको। गुड इंडिकेटर, काफ़ी दिन से लोग कर रहे हैं, हम भी आज से करना शुरू करेंगे, आप इसको वॉच कीजिएगा जरूर, उनके लिए एक बार तो कमेंट कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। देन वील मीट वंस अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो विथ सम और गुड इंडिकेटर। हम जो ट्रेडिशनल इंडिकेटर्स है, भले उसको लोग फॉलो करते हैं, MACD से लेकर कर, RSI से लेकर कर, हम रिफाइंड वाला ही इधर देखेंगे। इस चैनल में जो इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, जो कोडर्स हैं, साइंटिस्ट है, कोड साइंटिस्ट है, लाइक मिस्टर वैभव पाटिल है, वो एक्सपीरियंस ट्रेडर है, आई वांट टू थैंक हिम, मिस्टर सुलेमान है, इज़ अ डेटा साइंटिस्ट है, वो कैंडल मास्टर है, वो कैंडल के ऊपर बहुत वर्क किए हैं, मिस्टर रियाज खान है फ्रॉम कनाडा, कोड साइंटिस्ट है, एंड मैनी सपोर्टर्स हैं, उनकी वजह से हम इस चीज़ को अच्छा कर पाते हैं। ये लोग टेस्टिंग करते हैं, बैक टेस्टिंग करते हैं, फॉरवर्ड टेस्टिंग करते हैं, बेस्ड ऑन दैट दिस वीडियो इज बीइंग रिलीज, नॉट विद एनी अदर पर्पस। सो काइंडली कमेंट, लाइक एंड शेयर, थैंक यू सो मच, विल मीट वंस अगेन। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग स्पीकिंग चैट चैनल, सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक।